दिल से आज मैं कुछ लफ्ज कहता हूँ, दिल से आज मैं कुछ लफ्ज कहता हूँ, उस पल जो ना कहा वो शब्द कहता हूँ। दिल से आज मैं लफ्ज कहता हूँ, उस पल जो ना कहा वो शब्द कहता हूँ। इतना मांगा है तुमसे मैं, इतना मांगा है मैं फिर से तुमसे मांगता हूँ, इस पल तुमसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मनाने और मानने का सिलसिला अक्सर होता है, हम लोग मनाते हैं कि कुछ पाने के लिए या फिर किसी को पाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने किसी ना किसी को अपनी लाइफ में मनाया होगा, कभी टीचर से अच्छे नंबर पाने के लिए या फिर कुछ और चीज़ें पाने के लिए, ठीक है। तो उस पल की बात है, उन्होंने भी हमको मनाया था दूर चले जाने के लिए, कभी ना पास आने के लिए, खुद से दूर चले जाने के लिए, यहाँ तक कि हमें भूल जाने के लिए। गंगा का घाट था, पीछे बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, और मोबाइल चल रहा है, ठीक है। गंगा का घाट था, पीछे बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, मैं और वो खड़े हुए थे साथ में, और उन्होंने मुझसे कहा, अनुरोध यहीं तक ख़त्म करते हैं ना, बस बस यहीं तक था हमारा साथ मेरा, इससे ज़्यादा हम दोनों नहीं चल पाएंगे। उसके ये शब्द मेरे कानों में बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, अभी एक हफ्ते पहले हम दोनों मिले थे यार, एक हफ्ते पहले हम दोनों ने चिल किया था, हम लोग कैफे में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, कोई बात नहीं हुई थी, हम दोनों मस्त थे, वो मुझे संग नॉर्मल थी, जैसे मजाक करती है हमेशा वैसे ही थी। और इस पल उसने कहा था कि चले जाओ। मैंने कहा एक हफ्ते के बीच में इस लड़की को कुछ हुआ है, कुछ तो बात हुई है, अभी एक हफ्ते पहले की मुलाकात के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझसे फिर कहा, अनुरोध हम तुम्हारे साथ जो मोमेंट बताए थे ना मैंने, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आज से तुम मुझे मैसेज मत करना, कॉल मत करना, मेरा नंबर हो सके तो ब्लॉक कर देना। ये बात उसने मुझसे बोली और मैं वहाँ सरप्राइज हो गया था। उस टाइम मुझे पैर हिल नहीं रहे थे, मेरे पैर जम गए थे, और वो जा रही थी मेरे सामने से, भीड़ में वो खोई जा रही थी, उस गंगा की घाट पर इतनी भीड़ थी उस पल। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया, और वहाँ मैं ऑलमोस्ट टूट गया था। उसने मुझे बाय भी नहीं कहा, हम दोनों वो जा रही थी, मैं उसे जाते हुए देख रहा था, मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया, और वो चली गई। उसके जाने के बाद मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था उस पल, शायद मेरे सामने, मुझे इतना तेज गुस्सा था कि उस पल अगर मेरे सामने कोई होता तो उसका मैं खून कर देता, लेकिन मुझे नहीं, मैंने सोचा कि पहले शांति से काम करते हैं, शांति से डिसीजन लेते हैं कि करना क्या है आगे, क्या चीज़ हमें करनी है, क्या एक्शन लेना है, सब सोचेंगे लेकिन घर जाने के बाद, ठीक है। मैं घर के लिए निकला और घर जाते हुए मुझे रास्ते में ख्याल आया, और मुझे ख्याल नहीं था, मुझे यकीन था ऐसा हुआ होगा कि उनके लिए कोई रिश्ता लुभावना आया होगा, किसी रकीब ने दरवाज़ा उनका खटकाया होगा, बस इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब डाला है और हमारे इश्क को तमाचा मारा है, ये मेरा ख्याल था। मैंने कहा जरूर उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आया होगा, लेकिन इस लड़की को क्या हो गया, ये लड़की वही थी ना जो मेरे घर आती थी, मुझे परेशान करती थी, मेरी मम्मी से ऑलमोस्ट मुझे पिटवा देती थी, लेकिन आज इस लड़की को क्या हो गया। जब वो मेरी मम्मी से पिटवाती थी ना, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, मुझे ऐसा लगता आज तो मैं गया मम्मी के सामने, इसने तो मैंने मरवा दिया, और वो मेरे पास चुपके से आके दीदी क्या केशरी जी इतना डरोगे तो कैसे प्यार करोगे, और मैं बस उसकी बात में खो जाता था। ये ख्याल करते करते मैं अपने घर पे पहुंचा था, ठीक है, उसके मेरे घर पे उसके पिताजी बैठे हुए थे सामने, मैं अंदर घुसा और अंकल को देखते हुए एक और ख्याल आया, अंकल को देखते हुए एक और ख्याल आया कि ये मेरी कुछ जो झटका दिया गया है सुबह, वो मेरा ख्याल जो है वो सच हो गया होगा, इनके ये शादी का कार्ड देने आए होंगे, अंकल जरूर कोई शादी का ये कार्ड देने आएंगे। उस पर एक चार लाइनें निकली थी, ये खबरी खबर वो लाया है जिसकी खबर मुझे पहले से है, ये खबरी खबर वो लाया है जिसकी खबर मुझे पहले से है, हमारे इश्क को नीलाम करने आया है, मुझे खबर पहले से है, मेरे रकीब का पैगाम लाया है, मुझे खबर पहले से है, ये जो अनजाना सा आया है मुझे खबर पहले से है। और इस ख्याल के साथ हम आगे बढ़ रहे थे,
तभी हमारे पिताजी ने बोला, क्या जी बड़ों की इज्जत करना भूल गए हो तुम? हमने कहा हाँ करनी तो चाहिए। हम उनकी तरफ आगे बढ़े और उनके चरण स्पर्श करने वाले थे, तभी हमारे पिताजी बोले, ढंग से पैर छूना ससुर जी हैं। उनकी बात सुन के हम सरप्राइज थे, ये आदमी क्या कह रहा है, सटिया गया है क्या? हमने फिर से उनकी तरफ घूर कर देखा, उन्होंने कहा सब जानते हैं हम, मम्मी और तुम्हारी निधि बैठी हुई है दूसरे कमरे में। हमने जाकर देखा, निधि बैठी हुई थी मम्मी के साथ, फ़ोन में अपने कुछ टाइप कर रही थी। उसने मुझे देखते ही फ़ोन में कुछ इशारे किए और उसके बाद मेरे पास मैसेज आया, अच्छे से पूजा किए हो केशरी जी, एट्स ऑल।